In this lesson, we will derive the transformation law for point coordinates, okay, for coordinates of a point. So the position vector to a point P can be expressed as x vector is equal to xi ei hat in non-tilt system. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं. और वो x tilt vector वो किसके इक्वल आएगा, xi tilt ei tilt hat in tilt coordinate system. तो ये आपके पास किसी एक पॉइंट के पोजिशन वैक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ सिस्टम. अब उन दोनों पोजिशन वैक्टर्स में आपस में क्या रिलेशन होगा कि ये x vector इक्वल है बीटा वैक्टर प्लस x tilt vector के. यू कैन सी फ्रॉम हियर, ठीक है, मैंने हाईलाइट किए वैक्टर्स, इनका सम बन रहा है. x vector इज द सम ऑफ बीटा वैक्टर प्लस x tilt vector. अब आपने पढ़ा है लास्ट लेसन में कि बीटा वैक्टर जो है, जो O tilt का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से बीटा आई ए आई है. तो बीटा की जगह, बीटा वेक्टर की जगह ये आ जाएगा. और इसी तरह आप एक्स टिल्ट जो है उसको आप लिख सकते हैं एक्स आई टिल्ट ए आई टिल्ट. और ए आई टिल्ट की जगह आपके पास ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो पढ़ा था वो आ जाएगा. ठीक है, ei tilde is equals to alpha ki e k है. तो ये आपके पास यहाँ पर इस साइड, राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन के ये टर्म्स आ गए. सिमिलरली x वेक्टर की जगह आप रिप्लेस कर दें एक्स आई ई आई है, तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है. ठीक है, हम अब इसकी राइट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स हैं, यहाँ से ई आई कॉमन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो सेकेंड टर्म है इसमें हमारे पास ई आई की जगह ई के है. लेकिन आप देखिए यहाँ जो दो, इस टर्म में दो इंडिसेस हैं, आई और के दोनों डमी इंडिसेस हैं. ठीक है, और डमी इंडेक्स को हम किसी और नोटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं. हम के को आई से रिप्लेस कर देंगे और आई को किसी और इंडेक्स नोटेशन से जे से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी. और अब आप इन दोनों में से ई आई को कॉमन निकाल लें तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा. अब ई आई जो यूनिट वैक्टर्स हैं दोनों साइड पे, इनके कोफिशियंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, टिल्ट सिस्टम में और नॉन टिल्ट सिस्टम में. एक्स आई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इन नॉन टिल्ट सिस्टम एंड एक्स जे टिल्ट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इन टिल्ट सिस्टम. सिमिलरली द इनवर्स रिलेशन इज दिस. और आप कैसे डिराइव करेंगे, कंसिडर एक्स आई इज इक्वल टू बीटा आई प्लस एक्स जे टिल्ट अल्फा आई जे. ये हमने ये वाला रिलेशन कंसिडर किया. अब बेसिकली अगर हमें टिल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और हमने नॉन टिल्ट में निकालने हैं तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं, कर सकते हैं. तो रिवर्स रिलेशन फाइंड करने के लिए हम ये वाला ये डेरिवेशन कर रहे हैं. एक्स आई इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड पे अल्फा आई के को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड पे अल्फा आई के को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स इनको कंबाइन करें और ये ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन यूज करें तो ये डेल्टा के जे बन जाएगा. ठीक है, ये डेल्टा के जे आएगा और डेल्टा के जे में आगे ना आपको पता के और जे इक्वल होंगे तभी नॉन जीरो आएगा. तो ये पूरी टर्म आपके पास एक्स के बन जाएगी. अभी मैंने सिर्फ इस टर्म का बताया, रिमेनिंग टर्म ये अल्फा आई के बीटा आई उसी तरह चलेगी और ये भी उसी तरह चलेगी. ये टर्म इस साइड आपकी माइनस हो जाएगी, सिर्फ आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई करना. तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, जस्ट के को आई से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास ये रिलेशन आ गया एक्स आई टिल्ट इज इक्वल टू अल्फा जे आई एक्स जे माइनस अल्फा जे आई बीटा जे. ठीक है, और अगर आपके पास एक्स जे कोऑर्डिनेट सिस्टम के में आपके पास आपको पता है पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स तो आप टिल्ट सिस्टम में जा सकते हैं अनलेस कि ये सारी टर्म्स आपके पास हो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो और टिल्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास हो. ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स. क्या आप वेक्टर कंपोनेंट्स को किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो किस क्या रिलेशन होगा उनके लिए. अ वेक्टर ए इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद बेसिस वेक्टर्स ई आई हैट कैन बी रिटन एज दिस. ठीक है, उसके बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और A1, A2, A3 उसके कंपोनेंट्स है. बेसिकली अब हमने इन कंपोनेंट्स के लिए कंपोनेंट्स या उनको आप वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, इनके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव करना. ठीक है, तो इसको इंडेक्स नोटेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं ए आई ई आई है. We can obtain the transformation law for the coordinates of a vector from the transformation law for point coordinates. वो किस तरह से हम चलेंगे कि आप फिगर से देखें, अगर आपके पास ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और दोनों के पोजिशन वैक्टर्स दोनों सिस्टम के ओरिजिन के साथ ले लें. ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, A वैक्टर जो बेसिकली ये है A वैक्टर. ठीक है, दैट इज Y माइनस X. Y is the position vector of point Q with respect to this system, non-tilt system, and X is the position vector of point P with respect to non-tilt system. So A vector आपके पास है Y minus X. Similarly, tilt system में आपके पास A tilt आएगा, Y tilt minus X tilt. तो इन्हीं vectors को जब आप index notation में इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास ये relations आ जाएंगे दोनों systems में. ठीक है,
नेक्स्ट आप देखिए, ये आपके पास रिलेशन आ गया और ये जो ई आई है ये दोनों साइड पे कॉमन निकल रहे हैं, तो इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें तो आपके पास आ जाएगा ए आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस एक्स आई। अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने लॉ डिराइव कर लिया है तो वो यहाँ रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आफ्टर यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वी ऑब्टेन ए आई इज इक्वल्स टू अल्फा आई जे ए जे टिल्ड और कन्वर्सली ए आई टिल्ड इज इक्वल्स टू अल्फा जे आई ए जे। ठीक है, so we can say that a vector is a quantity which in a coordinate system can be represented by this, usko hum is tarah se likh sakte hain aur uske jo coordinates hain wo is law ke according transform ho rahe hain, that ai is equal to alpha ij aj tilde and ai tilde is equal to alpha ji aj।